नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना लेकर पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है, नए शिक्षा आयोग से रिलेटेड भवन तैयार, जल्द परीक्षा होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि पर क्या बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, अध्यक्ष व सदस्य तुरंत आदेश जारी हो गया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के आए दिन जो है समाचार पत्रों में सुर्खियां छाई रही हैं, और इससे लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है जिसे पीएस क्लासेस आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है। भवन तैयार, जल्द परीक्षा होगी, अध्यक्ष व सदस्य तुरंत आदेश, क्या है इस पर देखिए। सीधे बड़ी अपडेट की तरफ हम ले चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आयोग का दायित्व उठाने को चयन बोर्ड का भवन तैयार हो गया है। अधिक स्थान को देखते हुए चयन बोर्ड में स्थापना की संभावना है। अधिनियम बनने के बाद कार्य अंतिम दौर में है। दोस्तों आपको बता दें कि बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे राज्य शिक्षा चयन आयोग का कार्यालय जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में बनाए जाने की संभावना है, अर्थात वहीं पर बनने जा रहा है। इसका एक कारण इसमें कक्ष अधिक होना और भवन चयन बोर्ड का निजी होना है, जबकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का भवन अपेक्षाकृत छोटा होने के साथ किराए पर है। इस आयोग के अस्तित्व में आने के साथ चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में चयन बोर्ड का भवन नया दायित्व निभाने को तैयार है। नया गठित हो रहा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक संचालित भर्ती बोर्डों में सबसे बड़ा होगा। इसमें चेयरमैन के अलावा 12 सदस्य होंगे, जबकि चयन बोर्ड में सदस्यों के 10 पद, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 6 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 8 सदस्य हैं। चूँकि नया आयोग ही चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से होने वाली भर्तियां करेगा, इसलिए ये दोनों भर्ती संस्थान निष्प्रयोज्य हो जाएंगे। चयन बोर्ड के भवन में 10 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था पहले से है। ऐसे में प्रयागराज में बनने वाले नए चयन आयोग का कार्यालय इसी भवन में, आयोग का कार्यालय इसी भवन में बनाए जाने की ज़्यादा संभावना है, कवायद चल रही है। यह भवन भूतल के अलावा 3 तल पर में निर्मित है। भूतल पर 5 कक्ष के अलावा एक हाल है जिसमें 3 कक्ष बनाए जा सकते हैं। इसी तरह प्रथम तल पर 8 कक्ष हैं, इसी तल पर सदस्य भी बैठते हैं जहां 12 अधिकारी कक्ष हो सकते हैं। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, आप सभी को सबसे पहले पीएस क्लासेस बताने की कोशिश कर रहा है कि भवन तैयार है, प्रारूप भी तैयार हो गया है। किसी भी वक्त जो है आप समाचार पत्रों में देख सकते हैं कि आपके नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए अध्यक्षों का और सदस्यों का आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। लाइक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।